में इस वक्त आप लोग। तो आज हम एक यूनिफॉर्म में आपके साथ में हाज़िर हूँ और आप देख सकते हैं ये सर्जिकल कैप वगैरह और सर्जिकल मास्क और ये वाइट कोट पहना हुआ है। आज हम आए जी फुरकत पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो आज उधर हमें ये लेके आए हैं हमारी मैम और आज हम विज़िट करने आए हैं और सर्जरी डिपार्टमेंट देखेंगे और थियोरेटिकल डिपार्टमेंट देखेंगे और आपको आज उसका विज़िट करवाएँगे। They have three periods. Every person should have vaccinated three times in They should have three times सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ ये सारा जी कोविड वैक्सीन वगैरह यहाँ पे करते हैं और इसके बाद इस कमरे में जो है आधे घंटे के लिए उस पेशेंट को रखा जाता है जिसका कोविड की वैक्सीन की जाती है। अभी इतने डॉक्टर्स से जो है वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज वगैरह हो गए। आपको बताऊँगा इस हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में, तो यहाँ पे 500 प्लस नर्सेज वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं जो स्टाफ है इनका, और इसके अलावा 180 प्लस इनके डॉक्टर्स हैं पीडीए के जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक सर्जिकल डिपार्टमेंट भी है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है बच्चों के रिलेटेड, ठीक है। और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है ये, हमारी यूनिवर्सिटी का भी यूनिवर्सिटी का ही हॉस्पिटल है। तो ये था जी आज का छोटा सा ब्लॉग और इसमें मैंने आपको अपना एक हॉस्पिटल का जो है वो करवाया के भी विज़िट करवाया, ठीक है। जैसे जैसे हमें और हमारे कैंपस वगैरह में लेके जाते रहेंगे या पोली क्लिनिक्स में, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। फ्रेंड हो चुकी हुई है हाइजीनिक की और इसके बाद हम हॉस्टल जा रहे हैं, हॉस्टल ना गए तो फिर डायरेक्ट जो है वो मेन कैंपस में जाएंगे आज ही, वहाँ पर हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यार कर दें, ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं
बहुत जल्द जो है अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी कैंपस हैं उनकी वीडियो वगैरह आपको दिखाने जा रहा हूँ, ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ उसके बारे में, इसलिए आप जुड़े रहें तो बेहतर मज़ीद जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकेंगे और उज़्बेकिस्तान के बारे में। कैसा गुजरा है? अच्छा। ये है जी हमारे आकब सतार भाई, बहुत अच्छा गुजरा यार। ये हमारे ग्रूममेट भी हैं और हम फिफ्थ सेमेस्टर में अभी हाँ जी इंशाल्लाह मार्च के बाद सिक्स्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे, तो बाकी भी मैं ग्रूममेट्स का आपको इंट्रो करवाऊंगा। और अभी हम जा रहे हैं अपने मेन कैंपस की तरफ, हमारा फार्मा कॉलेज का अभी क्लास है और उसके बाद हम फ्री, ये आजकल फार्मा कॉलेज ही हमारी चल रही है, दो क्लासेस ना, फर्स्ट हाइजीनिक की 8 बजे उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक होती है और 12 बजे हमारी फार्मा कॉलेज की क्लास स्टार्ट हो जाती है। और अब बस हमारा सेमेस्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जल्द ही एंड होने जा रहा है मार्च के एंड पे, और अप्रैल के स्टार्ट पे हमारा जो है वो सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। आजकल रात को हम काफ़ी बिजी होते हैं क्योंकि हमारे मॉडल चल रहे हैं, फाइनल मॉडल वो हमने क्लियर करने हैं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे बिश्केक से। तो अभी हमारी फार्माकोलॉजी काफ़ी अच्छी जा रही है वो हम पढ़ रहे हैं, हाइजीनिक डिपार्टमेंट में बस हमें दिखाते हैं फिलहाल, लेकिन आज मैम कह रही थी कि 4th ईयर में जाके ना आप मजीद सर्जरी कर भी सकेंगे और देख तो आप अभी से सकते हैं ना, लाइक वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम लें और आके सर्जरी का देख लिया करें अपने नॉलेज को। हमारी क्लासेस हो गई थी एंड आज का था जी इतना ही काम, और आज हमारा एक्चुअली टीचर जो है ना वो चेंज हो गया था, और आज इस टीचर की समझ नहीं आ रही थी, इसको कुछ खास पता नहीं था, थोड़ा सा नर्वस हुआ पढ़ते थे टीचर नहीं था, बेसिकली 4th ईयर का स्टूडेंट था जो आज हमें पढ़ाने आया था, जो सर हमारे हैं वो एग्जाम दे रहे हैं वो भी बिजी हैं। अभी जो है मैंने आपको एक पिछली वीडियो में हमारे एक कैंपस की जो है वो क्लिनिक है पोलियो क्लिनिक वो भी आपको दिखाया, सो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, मे भी मेरी पिछली वीडियो में इसके कुछ क्लिप्स भी पड़े हुए हैं, हाँ जी लेबोरेटरीज के पड़े हुए हैं जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी ना, और मैस वगैरह करके हम हो गए हैं फ्री, अभी बस लेटे ही थे दोबारा से यूनिवर्सिटी वालों की मैनेजमेंट का मैसेज आ गया अभी कि अपनी फ़ोटो कॉपीज पासपोर्ट की और अपनी दूसरी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में वो हमें सबमिट करवाएं, तो अभी हमारे पास तो है नहीं तो हम देने जा रहे हैं। तो ये था जी आज का सीन, अभी हम फोटोज़ वगैरह बनवाने के लिए हमें फ़ोटो स्टूडियो में, और इसके बाद हम सोचेंगे। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैंने आपको बताया था गांधी जन यूनिवर्सिटी के बारे में दूँगा, तो ये भी समझ लें गांधी जन यूनिवर्सिटी के बारे में है, उसी का एक कैंपस है, उसी का एक पोलियो क्लिनिक है जिसका मैंने आपको दिखाया, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में वो भी अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आंध्र के बारे में और आंध्र यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता सकूँ।